नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सुबह के इस खूबसूरत मौसम के साथ स्वागत है आपके एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। दोस्तों मैं हूँ चौखुटा साइट पर और सुबह ही यहाँ पर आ गए हैं और अभी मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ कि आज यहाँ पर क्या काम होने वाला है। जो आप ही सामने सरिया देख रहे हैं दोस्तों, इनके कॉलम तैयार करे जाएंगे, पीछे रिटेनिंग वॉल की जो बुनियाद खोदी जा रही है और ये हमारा लेंटर जो हमने कल डाला यहाँ पर बढ़िया सेट हो रहा है यहाँ पर। लेंटर की लुक अभी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में शेयर करिएगा। और ऊपर की साइड पीछे रिटेनिंग वॉल की नींव खोदी जा रही है तो उसी के लिए कॉलम तैयार करे जा रहे हैं। ये देखिए अमित भाई भी लगा हुआ है कॉलम को एल शेप देने में और साथ में सरिया काटी जा रही हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमें निकलना है मजेड़ा साइड के लिए और वहाँ पर भी देखते हैं क्या काम आज होगा। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग चौखुटा से जाने लगे हैं मजेड़ा साइड के लिए। खूबसूरत मौसम हुआ है आज, बढ़िया धूप खिली हुई है और ये आसपास सारे कॉमर्शियल होटल्स, देखिए बकरियां भी आ रही हैं और मस्त व्यू देखने को मिल रहा है। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं मजेड़ा और देखिए सामने पत्थर रोड से नीचे करा जा रहा है, तो गाड़ी से उतरते हैं फिर बात करता हूँ आपसे। फ्रेंड हम लोग पहुँच चुके हैं मजेड़ा साइड पे। आज हवा गजब ही चल रही है, बहुत भयंकर खतरनाक हवा चल रही है आज। और ये साइड पे ऊपर रोड पे पत्थर था हमारा, इसको थोड़ा नीचे फेंका जा रहा है। अभी मैं नीचे चलूँगा और नीचे चल के आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे कल क्या काम हुआ और आज क्या काम हो रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं रोड से नीचे और रोड पे जो हमारा पत्थर था लगभग नीचे ये डाला जा रहा है अभी। और व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है लेकिन हवा बहुत चल रही है, तेज़ हवा चल रही है। व्यू तो अच्छा है, क्लीन धूप है, तो चलते हैं नीचे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ नीचे प्लॉट पे और प्लॉट पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। ये देखिए ये वाली रिटेनिंग वॉल, अभी ये वाली तैयार की जा रही है, आगे वाली तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है रिटेनिंग वॉल। अब जो साइड से एक पार्ट है इसकी चिनाई हो रही है अभी। लेकिन आज मौसम बढ़िया तो हुआ है, धूप आ रही है लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंडा काफ़ी हो रहा है। और देखिए फ्रंट की रिटेनिंग वॉल किस प्रकार यहाँ पर है, तो इस प्रकार यहाँ पर काम हो रहा है और ऊपर से पत्थर नीचे फेंका जा रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पर आज काम होगा। तो फ्रेंड अभी है लंच टाइम, दीपक भाई और मैं जा रहे हैं घर को लंच करने के लिए। और रास्ते में देखिए बच्चों की ऑफ रोड साइकिलिंग हो रही है, बच्चे भी बच्चे ही होते हैं, किसी बात की फिक्र नहीं, नो टेंशन, मस्त इनकी अपनी साइकिलिंग हो रही है, हम चलते हैं घर पे। तो फाइनली दोस्तों फिर से मैं पहुँच चुका हूँ चौखुटा साइड पर लंच करके और यहाँ पर अभी करीब आधा घंटा रहा है काम शुरू होने में और सभी की यहाँ पर इंजॉयमेंट चल रही है, रोड पर अपने क्रिकेट प्रैक्टिस हो रही है। तो फ्रेंड लंच के बाद काम स्टार्ट हो चुका है और जो अभी काम हो रहा है देखिए सामने रिंग बनाई जा रही है जिनको हम छल्ले बोलते हैं और साथ में सरिया काटी जा रही है कॉलम के लिए। और हवा काफ़ी तेज़ है आज क्योंकि सुबह से ही पता नहीं क्या हुआ है, मौसम बिल्कुल साफ़ है, क्लीन धूप आई हुई है लेकिन हवा काफ़ी तेज़ है जिससे कि काफ़ी ठंडा हो रहा है। और यहाँ इस चौखुटा साइड में 2 बजे से तो धूप भी चली जाती है और पीछे अभी हमारे देखिए रिटेनिंग वॉल की कटिंग चली हुई है, काफ़ी हार्ड रॉक लगी हुई है और काफ़ी रिस्की जगह है ये। जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिटेनिंग वॉल नींव तैयार करके हमने यहाँ पे रिटेनिंग वॉल खड़ी करनी है ताकि जो पीछे से गिरने का भय है, मिट्टी खिसकने का भय है, वो कम हो जाए। और काफ़ी हार्ड रॉक लगी हुई है और साथ में हमारी मिट्टी की यहाँ पे भराई जारी है। काम तो अच्छा हो रहा है दोस्तों, 2-4 दिन से धूप बढ़िया आ रही है, कल हमारा बढ़िया लेंटर पड़ा। अगर ब्लॉग नहीं दिखा तो आई बटन में लिंक है, ज़रूर देखिए। और देखिए हमारे कॉलम तैयार करे जा रहे हैं, जो रिटेनिंग वॉल के पीछे नींव तैयार करी जा रही है उसके लिए। फ्रेंड अभी हो रहा है शाम के 3:25, रिटेनिंग वॉल की नींव लगभग हमारी तैयार हो ही जाती है, कल इस तरह के कॉलम खड़े किए जाएंगे। और साथ में अनिल भाई चाय की तैयारी कर रहे हैं, पतीला वगैरह धो रहे हैं और नीचे मिट्टी भराई का कार्य जारी है। और नीचे देखिए कॉलम हमारे रेडी है, मौसम भी बढ़िया हुआ है, धूप भी बढ़िया आ रहा है लेकिन हवा बहुत चल रही है। हवा एक ऐसा पॉइंट अभी बना हुआ है जो हम लोगों को अभी काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि तेज़ हवा चल रही है और उससे हो रहा है ठंडा। ये देखिए हवा कितनी तेज़ है,
हवा काफ़ी तेज़ है, सुबह से लगातार ऐसी ही हवा यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों ये है वो पत्थर की लुक जो हमारे पीछे रिटेनिंग वॉल बननी है उसके लिए आया। अभी गाड़ी आपने देखी, शाम का समय है, लगभग एक घंटा और रह गया है काम के लिए। और देखिए पीछे हमारा काम जारी है, रिटेनिंग वॉल की नींव खोदी जा रही है और काफ़ी हार्ड काम यहाँ पे हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को कार्य कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। इसी तरह पहाड़ों में कार्य किया जाता है, यहाँ पर मशीन तो लग नहीं सकती, हाथ से ही काटना पड़ रहा है पत्थर को। और देखिए पत्थर काफ़ी हार्ड, एकदम मजबूत रॉक लगी हुई है। तो इसके बाद मिस्त्री बताएंगे कि हमें कितनी गहरी इसकी नींव खोदनी है। तो फाइनली फ्रेंड छुट्टी हो चुकी है काम से, हम जा रहे हैं अभी घर को, सभी लोग अपने घर को जा रहे हैं अभी। आज भी काम अच्छा रहा, दिन भी काफ़ी अच्छा रहा, और दिन भर का हमारा काम, हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो हमें आप कमेंट में शेयर करिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सामने खूबसूरत सनसेट का व्यू आ रहा है अभी। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कसैलेक मार्केट पे, और देखिए सामने सनसेट हो रहा है और बाजू के पेड़ों के बीच से उसका जो उसकी किरणें आ रही, काफ़ी शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में शेयर करिएगा। तो मैं चलूँगा मार्केट की तरफ और मार्केट से आपको थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ इधर उधर के। तो ये दोस्तों हमारी कसैलेक मार्केट, और सामने मुक्तेश्वर घाटी देखिए, मस्त क्लीन व्यू देखने को मिल रहा है। और इस साइड को होने वाला है सनसेट, तो काफ़ी बढ़िया नज़ारे शाम के समय में देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी शांति महसूस हो रही है। तो थोड़ी देर में निकलते हैं घर के लिए, और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों घर को। और देखिए सनसेट एकदम हो चुका है, ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वहां पर अभी धूप दिखाई दे रही है। और सामने देखिए पहाड़ की महिलाएँ घास लेके जा रही हैं अभी घरों को। दोस्तों अभी है शाम का समय और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर में, और व्यू देखिए काफ़ी मस्त व्यू देखने को मिल रहा है पहाड़ियों पर। सामने का नज़ारा देखिए, और घर पे हम लोग सेक रहे हैं आग बाहर से, और हरीश भाई लगा हुआ है यहाँ पे पालक की गठरियाँ जो होती हैं उनको बनाने में, हम लोग तो गड्डी बोलते हैं। और देखिए मस्त ऑर्गेनिक पालक, और पास में जलाई हुई है आग, तो मस्त तरीके से आग सेक रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। और नज़ारे काफ़ी बेहतरीन और शानदार मिल रहे हैं अभी शाम के समय में। तो दोस्तों ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आप लोगों को ज़रूर पसंद आया हुआ। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए जय हिंद।